अच्छा, वेल्डिंग में हम थोड़ा सा ये चार्ट देख लेते हैं। चार्ट बहुत काम आता है। वेल्डिंग क्या होता है? प्रोसेस टू जॉइन टू मेटल्स, सही है, मेटल को जॉइन करने के काम आता है। अब जो वेल्डिंग की जो दो मेन टाइप है ना, वो है लिक्विड स्टेट वेल्डिंग और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। कुछ न्यू वेल्डिंग आई है, लेकिन मेन ब्रांच यही है। चाहे लिक्विड स्टेट वेल्डिंग और फ्यूजन स्टेट वेल्डिंग या नॉन प्रेशर वेल्डिंग भी कहते हैं इसको, उसमें गैस वेल्डिंग होती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में ये तीनों, ऑक्सी एसिटाइलिन, एयर एसिटाइलिन, ऑक्सी हाइड्रोजन, रेजिस्टेंस में बार्ट, स्पॉट, सीम, प्रोजेक्शन, परक्यूशन, सही। और आर्क वेल्डिंग में कार्बन, मेटल, प्लाज्मा, ये सारी हो गई। और जो सॉलिड स्टेट या प्लास्टिक वेल्डिंग या प्रेशर वेल्डिंग में क्या होता है? फ्रिक्शन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक, डिफ्यूजन, एक्सप्लोजिव वेल्डिंग। और न्यू जो टाइप है वो इलेक्ट्रॉन बीम और लेज़र बीम, लेज़र वेल्डिंग इसमें आ जाती है। अब लिक्विड स्टेट वेल्डिंग की क्या होता है जो डेफिनेशन है, जो कोलेस्केंस इज अकम्पलिश बाय मेल्टिंग टू पार्ट्स इन सेम केसेस, यूज़ फिलर मेटल टू जॉइन। अच्छा, इसमें मेल्ट करके होता है, और सॉलिड स्टेट में क्या होता है? हीट और प्रेशर के जरिए दो मेल्ट को जॉइन करते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन ये है।